बड़े पर्दे पर उन्होंने सलमान खान को चैलेंज दिया, कहा कि देखते हैं हमसे बड़ा शैतान कौन है। चैलेंज पूरा हुआ, लोगों ने पसंद भी किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वेलकम टू जू। थैंक यू। ये बताइए कैसा लगा, हमसे बड़ा शैतान कौन है, दिखा आपने, कैसा लगा शैतान? वो शैतान मतलब हमसे बड़ा शैतान तो डायलॉग था एक्चुअली। हाँ। हालांकि मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। हाँ, आप बड़े शरीफ हैं, वो हमें पता है कि बड़े शरीफ हैं आप। लेकिन ये बताइए कि कितने लोग नफरत करने लगे हैं अब आप उस कैरेक्टर से? नफरत नहीं, बहुत मतलब अगर नफरत के लायक होता तो कोई उसकी प्रैक्टिस ना करता, तो लोग निकलने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी काफ़ी। हाँ, मैंने लोग नहीं, सलमान खान तक प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की। मैं आपको बता दूँ कि रिसेंटली इंटरव्यूज़ हो रहे थे मीडिया के। अच्छा। तो सलमान और जैकलिन जो है आप ही के डायलॉग बोल रहे थे, और आपको कुछ स्टाइल है फिल्म में जो आप हाँ ऐसा कुछ करते हैं। हाँ। वो चीज़ कर रहे थे, ज़रा आपको करके बताइए पहले कैसे आप करते हैं। वो ऐसे है बस, यही चीज़ सलमान खान कर रहे थे। बताइए, सलमान खान को भी आपने सिखा दी बात? नहीं, उनको जब वो शॉट हुआ था तब उनको बताया था, एक दो बार बताया था मैंने। उन्होंने खुद ही पूछा था कि तुम्हारा तकिया कलाम है क्या इसमें कुछ। तो मैंने कहा एक है बस, हालांकि कोई डायलॉग तो है नहीं बट एक साउंड है। तो फिर साउंड ये बताई थी मैंने उनको। क्या अब ये मान ली कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी फाइनली जो है ब्लॉकबस्टर मसाला, टिपिकल मसाला बॉलीवुड फिल्मों के अंदर आ चुके हैं पूरी तरह से? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बाकायदा अपनी जो फिल्में थी, जिस तरह की छोटे बजट की फिल्में थी, उनसे जुड़ा रहूँगा। और वंस इन ए वाइल एक साल में या दो साल में एक फिल्म इस तरह की किक जैसी एक फिल्म जरूर करूंगा, क्योंकि ताकि बैलेंस रहे और मेरी आने वाली छोटी फिल्मों को फायदा हो। नवाज, ये बताइए कि आप जिस तरह की फिल्में देखते हैं, जैसी जो आप फिल्म की ऑडियंस है, आप जिस जैसी फिल्म देखते हैं, क्या किक आपके टाइप की फिल्म है? ऑनेस्टली बताइए। ऑनेस्टली ये है कि मैं हर तरह की फिल्में देखता हूँ, और ये ज़रूरी नहीं कि भाई आप जिस तरह की फिल्में देखें उस तरह की फिल्में आपको पसंद आती हैं या नहीं आती हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन मैं हर तरह की फिल्में देखता हूँ। मैं अपने तरीके की फिल्में देखता हूँ, और जो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं हमारे कंट्री के लोग, उस तरह की भी फिल्में में जाके इन्जॉय करता हूँ मैं। तो अगर मैं एक ही तरह की फिल्में देखने लग जाऊँगा तो शायद कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड हो जाऊँगा मैं। तो वो लिमिटेशंस नहीं चाहता मैं अपने ऊपर, अपने या एक्सपोज नहीं करना चाहता अपने ऊपर मैं। जी, ये पहली ऐसी फिल्म है आपकी जिसके ऊपर शायद नंबर्स का प्रेशर है कि इतने करोड़ कमाने चाहिए, उतने करोड़ क्यों नहीं कमाएगी, ये वो चीज़, मतलब इसके एनालिसिस काफ़ी होंगे क्या? नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जो बॉक्स ऑफिस फिगर्स हैं वो मायने रखेंगे? नहीं, बिल्कुल मायने नहीं रखते। मेरा काम है कि मैं अपना जो मुझे काम दिया गया है, डायरेक्टर ने जो मुझे रोल दिया है, वो ऑनेस्टी के साथ करके चलाऊँ, उतना मेरा काम है। या डायरेक्टर की डायरेक्टर ने जो सोचा था कैरेक्टर के बारे में, उतना हुआ कि नहीं, उतना हो जाए उसी को कोशिश होती है फिल्म के दौरान, जो ना उसी को अचीव करने की कोशिश होती है, उतना हो जाता है, डायरेक्टर खुश हो जाते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। ये नंबर्स जो हैं, ये तो मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स और इनके सब के काम होते हैं। एक्टर्स को नंबर्स के बारे में, कलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जी, नवाज बताइए, साजिद नडियाडवाला के साथ आपने काम किया, ये फिल्म आपको साजिद ने कैसे दी, और साजिद के डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? बहुत साल तो प्रोड्यूस किया पर डायरेक्ट पहली बार किया। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको किया? एब्सोल्युटली। साजिद साहब जब इस कैरेक्टर को लिख रहे थे तभी उन्होंने मुझे इमेजिन कर लिया था कि नवाज से करवाना, और फिर डिस्कशन हुआ हम लोगों का, और मैंने ये देखा कि उनका एक्सपीरियंस जो था एज ए प्रोड्यूसर काफ़ी लंबा रहा है, तो एज अ थर्ड पर्सन होके उन्होंने एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखी है। उससे क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें आपको नुएंसेस और परफॉर्मेंस की जो एक क्वालिटी वो समझ में आ जाता है। तो जब वो डायरेक्ट कर रहे थे तो उनको ये मालूम था कि इस एक्टर के साथ कैसे काम करना है, इस एक्टर के साथ कैसे काम करना है, उनको ये पता था जी, और इस एक्टर से किस तरीके से बेस्ट निकलवाना है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था एज ए थर्ड पर्सन उनका, वो बहुत काम आया है इसमें, और बहुत कमांडिवली उन्होंने सभी एक्टर से परफॉर्मेंस निकलवाई। एक और धारणा ये भी कि जब आप किसी बड़े स्टार की फिल्म करो तो बड़े स्टार का पूरा कंट्रोल होता है एडिट टेबल पर, वो जितने पोर्शन चाहे उतने रख सकते हैं, जितने पोर्शन चाहे नहीं रख सकता है। आप का सलमान के साथ क्या तजुर्बा है? नहीं, मेरा मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि शूट के दौरान एक दो सीन थे जो उन्होंने बताए थे मुझे इस तरह कि ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी स्पॉन्टेनियस सीन्स हुए हैं, इम्प्रोवाइज सीन हुए हैं, इम्प्रोवाइजेशंस हुई हैं वहाँ पर। तो ऐसा नहीं मैं बिल्कुल भी कह सकता कि भाई कि ये हटा दो ये कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था उसमें। जी, आदमी जिनके साथ भी रहते हैं उनसे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है वो गैदर करता है, सलमान खान से कोई ऐसी अच्छी चीज़ थी जो आप गैदर करना चाहें या की है आपने? एक्चुअली उनकी तो एक तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतनी सारी टेंशन्स रहती होंगी उनको, और लेकिन वो जो सेट पे आते हैं वो सारी कोई भी एक चीज़ नहीं लेके आते वो। जब वो आते हैं तो बिल्कुल अपना काम बिल्कुल एक ब्राइट इन्वायरमेंट में, एक लाइट इन्वायरमेंट में सारा काम होता है, ताकि दूसरे एक्टर्स पे वो चीज़ अफेक्ट ना हो। जी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर कि जब वो सेट पे आते हैं तो बिल्कुल एक
बहुत लाइटली काम होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है तो इसके सामने मुझे अपना सीन थोड़ा बेटर करना है या ऐसी कोई चीज़ थी, मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये चैलेंज तो नहीं थे सलमान? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी कभी सोचा ही नहीं इस चीज़ को, कभी दिमाग में नहीं आया, ना तो उनके ना मेरे दिमाग में आया। हालांकि मेरे एक दो सिक्वेंस हैं उनके सामने, लेकिन कभी दिमाग में नहीं आया इस तरह की। आप उन टैलेंटेड एक्टर्स में से रहे जिन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी बिफोर दे मेड अ नेम, जब तक उनका नाम बना, उससे पहले काफ़ी स्ट्रगल रही, तो स्ट्रगलर्स से क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ऐसी होप रहती है कि आपकी परफॉर्मेंस कभी एक दिन नोटिस की जाएगी? बिल्कुल, हमेशा रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मुझे अगर ना मिलता तो भी मैं उसी इंस्टिंक्ट के साथ काम करता जैसे आया था जब पूरी उसके साथ। अगर मुझे 15 साल 25 साल के बाद भी सक्सेस मिलती, लेकिन मैं उसी पैशन के साथ स्ट्रगल करता रहता। आज भी कर रहे होते? आज भी कर रहा होता। ये बताइए कि स्ट्रगलिंग कर ली आपने, एक्टिंग कर ली, रोमांस कब करते हो? देखिए हुमा कुरैशी थोड़ा बहुत आपका जो हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा था काफ़ी क्यूट लगा लोगों को, काफ़ी स्वीट लगा, लेकिन फुल ऑन रोमांटिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाहें फैलाए हुए इस स्विट्जरलैंड की वादियों में घूमते हुए कब नजर आएंगे? बहुत जल्दी। एक एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहता हूँ, रोमांटिक फिल्म करना चाहता हूँ ऑफकोर्स, और मैं करूँगा वो, लेकिन अपने तरीके से करूँगा वो। कौन सी हीरोइन होगी, किस किस हीरोइन को, कोई तो फेवरेट होगी? नहीं नहीं, हीरोइन का अगर एक हीरोइन का नाम ले दिया तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, बाकी पता चला कि हाँ वो तो उसकी वो डेट में बिजी है, वो मतलब किसी शेड्यूल में बिजी है, किसी फिल्म में बिजी है, जिस हीरोइन को मैं चाह रहा हूँ, और बाकी तो फिर आ नहीं पाएंगे क्योंकि वो बोलेंगे कि आपने तो उसका नाम लिया था, उसी को लो अब। नहीं, पर आजकल तो सभी स्टार दीपिका कटरीना ही कहते, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सब पसंद है मुझे, सारी खूबसूरत है, सारी अच्छी हैं और सारी दिल की बहुत अच्छी हैं। ये बताइए कि सलमान के साथ जो भी काम करता है स्टैंप लग जाता है, सलमान खान कैंप का एक्टर है, सलमान खान के साथ काम किया है इसने, तो क्या आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी अब खुली हुई है शाहरुख के साथ काम करने की या दूसरे खान के साथ काम करने की? मेरा तो कोई कैंप नहीं है, और मैंने लाइक जैसे अनुराग कश्यप के साथ भी काम किया, मैंने सलमान साहब के साथ भी काम किया, तो दोनों मैंने हर कैंप के साथ काम कर रहा हूँ मैं तो। किससे ज़्यादा मज़ा आता है, आमिर के साथ या सलमान के साथ काम करने में, एक्टिंग वाइज आप बताइए? दोनों के साथ मज़ा आया, दोनों का अपना अपना क्राफ्ट है, दोनों का अलग अलग तरीका है काम करने का, तो दोनों के साथ मज़ा आता है। आने वाली फिल्म के बारे में बताइए, कौन सी फिल्म आप कर रहे हैं आने वाली? आने वाली फिल्म जो है माउंटेन मैन है, मानसून शूटआउट है। इनमें से कितनों में विलेन है, इनमें से कितनों में शैतान वापस आएगा? शैतान सिर्फ इसी में था, किक में, उसके अलावा कोई नेगेटिव नहीं, अभी कोई नेगेटिव नहीं करना है। यू डोंट लाइक नेगेटिव? आउट एंड आउट लाइक नेगेटिव, ये नेगेटिव रोल है वो सोच के मैंने ये भी नहीं किया था एक्चुअली किक का कि नेगेटिव रोल है, एक ग्रे शेड कैरेक्टर है, उसके अपनी कुछ अच्छी बातें हैं कुछ बुरी बातें हैं, ये सोच के मैंने किया था, वो ये सोच के नहीं थे कि ये विलेन है। क्या होता है अगर ये सोच के करते हैं कि ये विलेन है तो आप उसी तरीके से फिर प्ले करने लगते हैं उसको, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ग्रे शेड कैरेक्टर हो, जैसे इंसान होता है उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं बुराइयाँ भी। आपने बहुत उमदा परफॉर्मेंसेज दिए, कई सारी उमदा फिल्में आपकी रही हैं, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आपको लगता है कि इसका पार्ट टू बन सकता है, एज अ फिल्म मेकर एज अ फिल्म पर्सनैलिटी आपको लगता है इसका पार्ट टू में स्कोप है, इसे डायरेक्टर एंड कैन वर्क इट आउट? मुझे लगता है पार्ट टू और या सीक्वल उसका, उसमें मुझे बहुत ही बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होता। एक फिल्म है वो ख़त्म हो गई, कि दूसरा कोई टॉपिक देखो। सलमान खान जो है वो जाने जाते हैं अपने कपड़े उतारने के लिए, शर्ट्स उतारने के लिए, टी शर्ट्स उतारने के लिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कब पर्दे पर नजर आएंगे एक टी शर्ट उतारते हुए? अच्छे तो अभी मुझे 5-6 साल लग जाए। इतना वक्त तो आप तो काफ़ी मैं कर लेते हैं। मैं मुझे थोड़ा सा लोहा उठाना थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि जैसे पहले हम जब ट्रेनिंग ले रहा था मैं NSD में, तो मुझे पता नहीं था कि एक्टर बनने के लिए लोहा भी उठाना पड़ता है, तो मुझे पता चल जाता तो कभी ना, तो वो बहुत टफ होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि लोहा ही उठाना पड़ता है। नहीं नहीं, कुछ लोगों का वो भी तपस्या होती है, ऐसी बात नहीं, वो भी कम वो नहीं है, वो अच्छा। बहुत बड़ी बात है वो, 5-6 साल तक आप कंटिन्यूसली फिजिक पे अपना कंसंट्रेट कर रहे हो, वो भी एक तपस्या है। बट डू यू वांट टू शो योर एब्स ऑन स्क्रीन? मैं देखूंगा अगर रोल की डिमांड है, ऐसी किसी रोल की डिमांड है, यू डोंट हैव एनी एब्स दिखाने हैं, कोई इनहिबिशंस नहीं है, कोई ऐसी की नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी वो नहीं दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ अगर मुझे लगा कि हाँ ये बॉक्सर है या इस तरह का कुछ फिजिकली बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली मैं करूंगा। इतने साल हो गए बॉलीवुड में, बॉलीवुड में अब भी वो क्या चीज़ें जो थोड़ी मिसिंग है जिसको थोड़ा सुधारना चाहिए, क्या आपको लगता है? देखो मैं एनालिसिस करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या सुधार। बॉलीवुड का अपना एक तरीका है, वो अपने तरीके से चल रही है, और सबसे अच्छी बात है कि इस वक्त पे बहुत सारी अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, जो ये टाइम मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं था। अगर एक तरफ कमर्शियल फिल्म बन रही है, आउट एंड आउट कमर्शियल फार्मूला फिल्म बन रही हैं, या इस तरह कमर्शियल फिल्म बन, एक तरफ इस तरह की फिल्में भी बन रही हैं, मीनिंगफुल फिल्म भी बन रही हैं, और दोनों तरह की फिल्में चल रही हैं, लोग देख रहे हैं दोनों, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा काम है। तो इसमें मैं कोई ये तो नहीं कहूँगा कि ये मिसिंग हो रहा है, ये होना चाहिए।
एक खबर और बताऊंगा आपको, इसमें कोई गलत बात नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अब अपने पैसे बढ़ा दिए। पैसे बढ़ा दिए मैंने? हाँ, पैसे ऐसे नहीं बढ़ाए मैंने कि मुझे दे ना सकें, इतना नहीं मैंने पैसे बढ़ाए। मतलब लेकिन ये है कि हर आदमी चाहता है कि उसका रेमुनरेशन बढ़े, आप भी चाहते हैं कि जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपका भी थोड़ा सा ग्रोथ हो जी, है ना। तो उस हिसाब से ये लगता है कि लाइक एक्टर को भी, मतलब जैसे होता है कि स्टार्स को देखते ही उसका एक प्रॉपर एक पता होता है कि ये रेमुनरेशन उसका है, ऐसे एक्टर का भी होना चाहिए कि एक्टर को कहीं ऐसा ना हो कि भाई देख के उसको लगे कि अरे आप तो एक्टर हो और बजट भी कम हो गया फिल्म का और रेमुनरेशन एक्टर की फीस भी कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एक्टर, इसलिए नहीं कि मुझे पैसा बढ़वाना है, बल्कि एक्टर को भी वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो प्राइस बढ़ाई पर प्राइज ही नहीं हुए? हाँ, प्राइज ही नहीं हुआ। प्राइज ही नहीं हुआ। चलिए नवाज, मुझे बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।